आपको एक बिजनेस आइडिया भी बता दूंगा और एक इस साइकिल के बारे में भी बता दूंगा कि यार सिंगापुर में हम साइकिल खरीदे ना खरीदे, और हम खरीदे तो कौन सी साइकिल खरीदे, तो मैं बताता हूँ उसी में से एक पार्ट ये है। वैसे तो सिंगापुर में जो साइकिलिंग है ना बहुत सारी मिल जाती है आपको। साइकिल क्या था इसका बताता हूँ। ये कंपनी का नाम है ओप्पो, आप गूगल पर जाके चेक कर लेना। अब ये बंद हो चुकी है ये कंपनी, पिछले इन्होंने अपने ऑपरेशन सिंगापुर में 4 या 5 साल करा था। अब ये जैसे हम कार शेयरिंग का बिजनेस है, ये तरह से ओप्पो मीन्स बाइसाइकिल शेयरिंग का बिजनेस था। तो ये बिजनेस जो है ना इंडिया में भी शायद पहले होता होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि सिंगापुर में जो बाइसाइकिल्स हैं वो महंगी है या कितनी है बता दूंगा ऑन एन एवरेज। बट आज मैं बताता हूँ ये बाइसाइकिल का फ़ायदा बहुत है। अब ये बाइसाइकिल जो है इस कंट्री से हट गई है, मीन्स ये रिसाइकिलिंग हो चुकी है। पहले तो मैं खासियत बता देता हूँ बिजनेस के बारे में, मैं बता दूंगा। अगर ये वीडियो किसी कंट्री में देखी जा रही है आप मुझे बता देना उस कंट्री में ये बिज़नेस हो सकता है नहीं। ये बिज़नेस का कुछ हिसाब ऐसा है, कार शेयरिंग बिजनेस होता है कि आपको पर आवर के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं, उसी तरह से ये बिज़नेस सिंगापुर में आया था, काफ़ी सक्सेस हुआ था। लेकिन सिंगापुर में ये ऑपरेट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बिकॉज ऑफ सम स्मॉल मार्केट, आई थिंक छोटी मार्केट थी इस वजह से, या कुछ और रीज़न हो सकते हैं मुझे एक्यूरेट पता नहीं था। लेकिन अभी जो ये सारी बाइसाइकिल जो है ना वो डोनेट कर दी गई है म्यांमार में। अब इस बाइसाइकिल की खासियत बताता हूँ क्या क्या है। पहले तो ये देखो खासियत क्या है, उसके बारे में बताऊँगा कि सिंगापुर में जो इन्होंने इशू करी थी वो 1 घंटे का कैसे चार्ज करा करते थे, और ये बाइसाइकिल का क्या क्या सिस्टम बनाया था इन्होंने, कहाँ पर स्टैंड बनाए थे, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। तो यार मैंने इसलिए बाइसाइकिल नहीं खरीदी थी पहले क्योंकि ये कार जैसे ये शेयरिंग वाली बाइसाइकिल थी, जहाँ भी जाना होता था मुझे ये शेयरिंग वाली बाइसाइकिल मिल जाती थी। लेकिन अब मैंने एक सेकंड हैंड बाइसाइकिल खरीदी, उसको भी दिखा दूंगा वो कितनी शायद अगले वीडियो में। तो मैं दिखा देता हूँ इस बाइसाइकिल की खासियत क्या है। सबसे पहले तो इस बाइसाइकिल की खासियत है, आप इसके बैरिंग देखोगे ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आई मीन ये बाइसाइकिल आप हिसाब लगा लो 6 साल पुरानी है, अभी इस पर कुछ होना। और सबसे अच्छा ये इसमें पंक्चर नहीं होता, पंक्चर लेस बाइसाइकिल है। सो इसका मेंटेनेंस कुल मिला के ना के बराबर है आप। और सबसे बढ़िया इसकी बात है यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइसाइकिल है, एक बास्केट इन्होंने दे रखी है, कुछ भी सामान आप रख सकते हैं। अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स भी काफ़ी ख़राब ही नहीं होती, कहने का मतलब ये 6 साल में मैंने तो कभी ख़राब होते देखा नहीं इसको। सो ये इस वजह से मैंने पहले बाइसाइकिल नहीं खरीदी थी। लेकिन अब ये क्या है, ये बाइसाइकिल की जो कंपनी है मर्ज हो गई है या क्लोज हो गई है मुझे बारे में पता नहीं, लेकिन ये बाइसाइकिल्स अब सिंगापुर में मुझे दिखाई नहीं देती हैं। ये 1-2 बाइसाइकिल जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत पड़ी थी वो लोगों के पास है, तो उन्होंने अब वो कैसे एक्टिवेट होती थी, उन्होंने क्या था एक यहाँ बारकोड लगा रखा था। आप इसको बारकोड दिखा देता, देखो यहाँ ये वाला बारकोड बना रखा था स्कैन टू गो। सो आपको क्या करना होता था इस बाइसाइकिल में, जब करने से पहले यहाँ पर एक सिस्टम भी लगा हुआ करता था, वो सब तोड़ ताड़ गया है क्योंकि जब ये अब ये अलाउ ही नहीं रही है। तो मैं सिस्टम भी दिखा देता हूँ वो किस तरह का है, तो वो सिस्टम भी मैं दिखा देता हूँ। एक बाइसाइकिल इधर भी है। तो सिंगापुर में व्हाई आई नेवर परचेज द बाइसाइकिल एक बड़ा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर है एक इस तरह का, ये ओप्पो की बाइसाइकिल है। तो इसमें क्या होता था, इस बाइसाइकिल में क्या हुआ करता था, तो इस बाइसाइकिल में देखो ये जो नंबर है इसमें क्या होता था, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती जो एंड्रॉयड और एप्पल वगैरह में होती थी ओप्पो की। उसके बाद क्या हुआ था कि आपको डाउनलोड करने के बाद आपका जो अकाउंट नंबर एक क्रिएट हो जाता था वो आपके डेबिट कार्ड से जुड़ा होता था। तो आपको एक बारकोड स्कैनर आपको मिल जाता था कुल मिला के आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन, जब आपको राइड करनी होती थी बाइसाइकिल। सो ओप्पो के एप्लीकेशन में जाके आपको ये स्कैन करना होता था, फिर राइड इन, तो आप कहीं भी जाके राइड इन कर सकते थे, और राइड आउट का मतलब ख़त्म करना है स्टॉप करना, वहाँ जाके अगेन स्कैन करके वहाँ ऑप्शन आता था राइड आउट का। तो उसका जो चार्ज हुआ करता था वो 1 किलोमीटर का शायद 20 सेंट के आसपास हुआ करता था, काफ़ी सस्ती बाइसाइकिल थी। अगर मैं एक हफ्ते में यूज़ करता था 2 या 2.5 डॉलर ही यूज़ करता था। तो इस प्रकार से इस ओप्पो साइकिल का
बिजनेस बहुत अच्छा चला था यहाँ और काफ़ी लोगों ने साइकिल ही बंद कर दी थी ख़रीदना, तो साइकिल की मार्केट उस समय थोड़ी सही नहीं थी, लेकिन अब ये कंपनीज बंद हो गई तो साइकिल की मार्केट अगेन आ गई है। और जो साइकिल की जो कॉस्ट है अभी मैं बता दूंगा किसी शोरूम पर जाके, और जो पुरानी बाइसाइकिल की कॉस्ट है करीब 50 से 100 डॉलर के आसपास आपको पुरानी बाइसाइकिल मिल जाती है। सो कैसी लगी मेरी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।